हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ये बिगिनर्स के लिए सीरीज़ है न्यूज़पेपर का। आज भी एडिटोरियल लाया हूँ मैं 27 अप्रैल 2020 का। तो देखते हैं। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये न्यूज़पेपर भी डाल दिया है, और जो वर्ड्स मीनिंग मैंने तैयार किए हैं, ये वाले वर्ड्स मीनिंग देखिए, इसका PDF भी मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश विद चंदन, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। देखिए, ये पूरा 2 पेज का मैंने ये वर्ड्स मीनिंग और ये न्यूज़पेपर डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि बिगिनर्स का सीरीज़ है तो मैं धीरे धीरे चलूँगा और एक एक सेंटेंस को समझाता हुआ चलूँगा, तो आप बोर मत होइएगा गाइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ लिखा है सेफ रिटर्न, यानी कि सुरक्षित वापसी। आगे पढ़ते तभी पता चलेगा। देखिए, अमिड द कोविड-19 क्राइसिस, कॉमा है, कॉमा पे रुक जाइए। अब इस अमिड से लेके यहाँ तक, ये क्या है? अमिड क्या है? प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसका क्या मतलब है? अमिड पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, अभी बना दूंगा। अमिड का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, किसी चीज़ के बीच में। तो कोविड-19 जो क्राइसिस चल रहा है, जो संकट है, उसके बीच। ओके, तो यहाँ हो गया। फिर है द डिस्ट्रेस फेस्ड by migrant workers must not be ignored। तो ये तो समझ गए कि कोविड-19 के संकट के ही बीच में। उसके बाद सेंटेंस को समझिए। यहाँ है द डिस्ट्रेस, द लगा है तो आप समझ गए कि डिस्ट्रेस क्या हमारा नाउन है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? परेशानी। अचानक इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फेस्ड बाय, ये थर्ड फॉर्म क्यों भाई? तो इसलिए कि अगर किसी नाउन के बगल में आपको इस तरह से फेस्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय ये सब मिल जाए तो इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये एक पार्टिसिपल फ्रेज बनाता है जिसे हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हैं। क्यों एडजेक्टिव कहते हैं? क्योंकि ये अपने इस बगल वाले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये बगल वाला एंटीसीडेंट कहलाएगा। तो बात हम कर रहे हैं परेशानी की। वो परेशानी फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, जिसको झेला गया है, फेस किया गया है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो अपने गांव घर से कहीं और जाकर काम करते हैं, वो जो वर्कर्स हैं, तो वो जो परेशानी उनके द्वारा झेला गया है, तो वो परेशानी मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। ये मस्ट किसके लिए आया है? डिस्ट्रेस के लिए आया है। तो ये द से लेकर के ये वर्कर्स तक को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज के अंदर एक तो आपका नाउन होगा, बाकी वो नाउन यहाँ पर कुछ ना कुछ मॉडिफायर लगे होंगे, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, नाउन क्लॉज से लगा हो, या इसके इधर आर्टिकल हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। और नाउन क्या करता है? तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये आपका सब्जेक्ट इतना बड़ा है, द डिस्ट्रेस से लेकर वर्कर्स तक, और ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये जो परेशानी है मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, ये मस्ट का पैसिव है, किसी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर है जी? चलिए, तो बिगिनर्स हैं आप, इसलिए थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। A month after one of the most, ध्यान दीजिएगा न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा एक स्टाइल है इन लोगों का। यहाँ मंथ, 2 मंथ, फ्यू डेज, उसके बाद आफ्टर जब ये लिखेंगे ना, तो आफ्टर के बाद एक पूरा लाइन लिखेंगे, पूरी कहानी लिख देते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आप लोगों ने अधिकतर क्या पढ़ा होगा? ऐसे पहले आफ्टर पढ़ा होगा ना, ऐसे पढ़ा होगा कि आफ्टर 2 days, 2 दिनों बाद, ऐसे पढ़ा होगा ना। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में होगा 2 days और फिर आफ्टर होगा और फिर एक लंबी कहानी होगी। ये इसका इनका स्टाइल है, इसको समझिए। तो इसको कैसे समझेंगे कि अ मंथ आफ्टर, यानी कि 1 महीने बाद। अब किस चीज़ के 1 महीने बाद, वो पूरा मैटर यहाँ पर है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स, यानी कि जो स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, ग्लोबल लॉकडाउन का मतलब पूरे ग्लोब में जो लॉकडाउन होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कठोर, जितने लॉकडाउन कठोर होंगे उनमें से एक। वॉज इम्पोज्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उसे थोपा गया, इम्पोज किया गया, लगाया गया इन इंडिया। इंडिया में वो लॉकडाउन लगाया गया जो सबसे कठोर था। क्या करने के लिए? तो यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव लगा दिया, 2 + V1 जो है, टू टैकल द पैंडमिक। पैंडमिक को टैकल करने के लिए। टैकल मतलब उसको मतलब क्या बोलूँ उसकी हिंदी कई बार ना, टैकल मतलब उसको बसीभूत करने के लिए, उस महामारी को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो अब समझ में आ रहा है कि 1 महीने बाद, किसके 1 महीने बाद? जब लॉकडाउन को इम्पोज कर दिया गया उसके 1 महीने बाद द travails of the migrant workers. travails का मतलब होता है पीड़ा, दुख. ये जो पीड़ा है, जो तकलीफ है, किसका तकलीफ? ऑफ द माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट वर्करों का जो तकलीफ है, हैव शोन नो साइंस ऑफ एंडिंग. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इस तकलीफ, ट्रैवल्स के यहाँ हैव आया है, इस तकलीफ ने दिखाया है नो साइन ऑफ एंडिंग, कि भैया खत्म होने का कोई साइन नहीं दिखाया है. ऐसी तकलीफ है, एक महीने बाद भी, इस लॉकडाउन के एक महीने बाद जो तकलीफ है, हैव शोन नो साइंस ऑफ एंडिंग, कहीं भी समाप्ति का कोई भी सिग्नल नहीं दिखाया है. तो ऐसे मैंने सेंटेंस को तोड़कर आपको समझाया है. बाकी आप खुद समझ ही गए होंगे कि एक महीने बाद इसके भी जो प्रॉब्लम है माइग्रेंट वर्करों की, वो प्रॉब्लम बरकरार है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. चलिए आगे देखते हैं. द गवर्नमेंट टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट इन द लेट मार्च दैट अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड टू प्रोवाइड टेम्पररी शेल्टर्स विद फूड for migrant workers, and as of then none of them was on the road. Just days after the lockdown had triggered an exodus of people to their native places. कितना बड़ा sentence है. चलिए इसको तोड़ते हैं guys. The government told the Supreme Court in late March, यानी कि government ने Supreme Court से कहा. कब कहा? लेट मार्च में, यानी कि मार्च के अंत में कहा. फिर यहाँ लग गया दैट, दैट लगते फिर नरेशन हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पढ़ा होगा. अब क्या लिखा है कि अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड. ये हैड बीन क्यों आया? जब ये दैट अगर नहीं होता तो गवर्नमेंट ने ऐसे कहा होगा ना कि अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड. तो जब डायरेक्ट में कहा होगा हैव बीन, तो हैव बीन का जब इनडायरेक्ट होगा तो हैड बीन हो जाएगा. ठीक है जी. तो देखने में पास्ट लग रहा है, लेकिन अगर हिंदी करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भैया व्यवस्था हो गई है, ऐसे कहना पड़ेगा. इसमें कैसा लग रहा है कि व्यवस्था हो गई थी, हैड बीन है ना, बट ये नरेशन है. नरेशन आपको पता, मतलब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. एनीवेज फटाफट करते हैं. गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से मार्च के लास्ट में कहा कि अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड, अरेंजमेंट हो चुकी है, टू प्रोवाइड टेम्प्रोरी शेल्टर, कि टेम्प्रोरी हम शेल्टर दे सकते हैं. शेल्टर मतलब जो शरण है, छत दे सकते हैं, विद फूड, खाना के साथ, फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, एंड एज ऑफ देन, और तब तक, नन ऑफ देम वाज ऑन द रोड, तब तक कोई भी रोड पर नहीं था मार्च के लास्ट में. जस्ट डेज आफ्टर, कुछ दिनों जस्ट बाद, द लॉकडाउन है ट्रिगर्ड, लॉकडाउन ने ट्रिगर कर दिया, सक्रिय कर दिया था, एन एक्सोडस ऑफ पीपल. एक्सोडस का मतलब कि बहुत बड़ी संख्या में, यू नो, एक पूरा जो पलायन होता है ना, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, टू देयर नेटिव प्लेस, उनको मतलब अपने घर की तरफ जाने के लिए मतलब पलायन कर गए. एक्सोडस का मतलब भी होता है कि जैसे हम कहते हैं ना आवागमन, तो आवा छोड़ दीजिए, गमन मतलब रिटर्निंग. तो बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है अपने नेटिव प्लेस, अपने घरेलू जो जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ जाने के लिए ट्रिगर हो गए. ये ट्रिगर किसने किया? लॉकडाउन ने किया. तो ये बात कही गई. क्लियर है? अब आगे देखते हैं, देखते हैं कुछ सिखाने लायक होगा तो आपको सिखा दूंगा, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है इसमें. ओके देखिए. बट Reports have shown that thousands continue to travel along distances. देखिए, but reports have shown, reports ने दिखाया है कि हजारों लोग जो है continue to travel, वो travel करते रहते हैं along travel long distances, अपनी लंबी दूरी को. अब यहाँ present indefinite में दिखा दिया है, या तो travel वो कर रहे हैं, कर रहे थे, कुछ भी हो सकता है, बट कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं. तो द रिपोर्ट्स हैव शोन, रिपोर्ट्स ने दिखाया है, दैट थाउजेंड्स, हजारों जो लोग हैं, कंटिन्यू टू ट्रैवल, उनका ट्रैवल एकदम कंटिन्यू है लॉन्ग डिस्टेंस तक, लंबी दूरी पे. मोस्ट ऑफ देम बाय फुट, अधिकतर लोग जो है वो पैदल पथ यात्रा कर रहे हैं, टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशंस. क्यों कर रहे हैं? एस्केप मतलब बचना, ये जो परेशानी वाला कंडीशन, उससे बचने के लिए, या टू देयर फैमिलीज, या अपने फैमिलीज के पास जाने के लिए, ना, फैमिलीज के पास ट्रैवल करने के लिए. तो ये हो गया, ऐसा रिपोर्ट्स ने दिखाया है. अब आगे देखिए. Meanwhile, lakhs of workers, इसी दरमियान, इसी बीच, lakhs of workers, जो कम से कम लाखों की तादाद में जो वर्कर्स हैं, who were dependent upon daily and casual labor, who were dependent. अब देखिए यहाँ वर्कर्स के बाद कॉमा देख रहे हैं, कॉमा, और फिर यहाँ एक कॉमा है, तो कह रहा है कि लैक्स ऑफ वर्कर्स, और इस कॉमा के बाद यहाँ से हु से लेकर यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, इसे क्लॉज कहते हैं. मैं कई बार बता चुका हूँ, इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. ये बता रहा है कैसे वर्कर्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो वर्कर्स हु वर डिपेंडेंट अपॉन डेली, या तो वो डेली वेज पे डिपेंडेंट थे एंड मतलब डेली वेज और कैजुअल लेबर पे जो डिपेंडेंट थे कि अपना या तो डेली लेबर मेहनत कर रहे हैं या कैजुअली वो कुछ कर रहे हैं, उस पर जो डिपेंडेंट थे लैक्स ऑफ वर्कर्स। तो इस वर्कर्स के लिए यहाँ पर आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं, वर्कर्स के बारे में यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे दिया, मेन आपका ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है। तो वर्कर्स आर स्टिल स्ट्रैंडेड, अभी भी फंसे हुए, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए हैं इन मुंबई एंड दिल्ली विदाउट वेजेस, बिना वेजेस के, बिना पैसों के बेचारे फंसे हुए हैं, लैक्स ऑफ वर्कर्स। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर्स इन सेवरल प्लेसेस हैज बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट्स एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, फुल स्टॉप। देखिएगा, देखिए सब्जेक्ट कितना बड़ा होता है। जब आप लोग बचपन में पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपको लगता है कि यार इतने बड़े न्यूज़पेपर में ये होता होगा क्या, ये तो मजाक है, ये तो बस ट्रांसलेशन बनाने के लिए। सब्जेक्ट होता है, बट सब्जेक्ट वो नहीं होता है जो गुरुजी पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा होता है न्यूज़पेपर में। देखिए आपको ऐसे देखिए, हैज़ बीन ये आपका वर्ब हो गया, तो यहाँ वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, तो देखिए कितना बड़ा है कि द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग आपका सब्जेक्ट है, इसको जोड़ दिया प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाकर, ऑफ शेल्टर्स, फिर लगा दिया इन सेवरल प्लेसेस, एक प्रेपोजिशन, दो प्रेपोजिशन लगा करके और कुछ एक दो नाउन बैठा करके सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं, तो डर लगने लगता है। ध्यान से देखिए, ये द से लेकर प्लेसेस तक आपका सब्जेक्ट है, इसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं। कैसे जोड़ा है, प्रेपोजिशनल, दो बार प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि द फंक्शनिंग, फंक्शनिंग का मतलब होता है जो कार्य है, किसका, शेल्टर्स का, जो भी घर वर बने हैं, जो टेम्प्रोरी शेल्टर्स है, उसका जो फंक्शन है इन सेवरल प्लेसेस, कई जगहों पर, हैज़ बीन अनइवन, वो बिल्कुल अनइवन रहा, अनइवन का मतलब असमान रहा, कहीं ठीक है कहीं खराब है, अक्रॉस स्टेट्स, पूरे स्टेट्स में, एंड मेट्रोपोलिटन सिटीज, और जो बड़े शहर है उसके अंदर। विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन, ऑनगोइंग का मतलब जो चल रहा है, तो विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन, अब इसको ये विद से चालू है, तो ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज है कि ऑन गोइंग, चल रहा लॉकडाउन के साथ। फिर लॉकडाउन के बगल में लिखा है कि हर्टिंग द इकोनॉमी, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये लॉकडाउन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, छोटा सा एक दे दिया कि वो लॉकडाउन जो कि हर्ट कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है इकोनॉमी को। द फिनेंस मिनिस्ट्रीज रिलीफ मेजर्स, फाइनेंस मिनिस्टर का जो राहत कोष है, जो राहत मेजर्स मतलब उपाय, कोष नहीं कहना चाहिए, उपाय, हैव बीन इनसफिशिएंट, वो इनसफिशिएंट रहा है, अपर्याप्त रहा है, इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स। इन, जब भी इन आएगा यानी कि जब भी कोई प्रपोजिशन आएगा उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी में आएगा, तो प्रोवाइड नहीं है, प्रोवाइडिंग है। क्यों भैया, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, और वर्ब को नाउन बनाएंगे तो वर्ब में आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, वो जिरंड बनेगा और जिरंड नाउन होता है। अच्छा, तो प्रोवाइडिंग हो गया, और ये प्रोवाइड फॉर एक फ्रेजल वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है व्यवस्था करना, तो प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों की व्यवस्था करने के लिए। समझ में आ रहा है गाइज, अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि मैं एक एक सेंटेंस को लंबा करके समझा रहा हूँ, मैं फटाफट चलूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं इतना टाइम नहीं लूँगा, फटाफट भी मैं कर सकता हूँ, जब इतना कर सकता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। चले गाइज, समझा दूँ आपको कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो रिलीफ मेजर्स हैव बीन इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट रहा है व्यवस्था करने में, इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों की व्यवस्था करने में। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। सम माइग्रेंट वर्कर्स, कुछ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, फिर यहाँ पर हु आ गया, यानी कि वर्कर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हु स्टेयर एट कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स इन देयर अडॉप्टेड प्लेसेज ऑफ वर्क, यहाँ पे कॉमा खत्म हुआ, देख रहे, ये कॉमा से यहाँ, तो यहाँ तक ये क्लॉज है। बार बार कई लोग क्लॉज कहते हैं, क्या होता है क्लॉज, हुआ बना दिया है, यही आपका एडजेक्टिव क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो कुछ जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि घूरते हैं, स्टेयर एट कंटिन्यूइंग, जो घूरते हैं मतलब कि उनका पूरा ध्यान है, ये लगातार जो लॉस हो रहा है उनकी लाइवलीहुड का, उनकी जीविका का, इन देयर एडॉप्टेड प्लेसेस, उनके एडॉप्ट प्लेसेस में, जहाँ जो जगह उन्होंने चुना था काम करने के लिए, उस जगह पर उनका नुकसान हो रहा है। तो ये जो वर्कर्स है आर बेटर ऑफ, अब बेटर ऑफ का मतलब क्या होता है, बेटर ऑफ कई बार एडवाइस भी देते हैं कि ये अच्छी सिचुएशन होगी तुम्हारे लिए, तो बेटर ऑफ मतलब इन अ गुड सिचुएशन, तो आर बेटर ऑफ, उनके लिए अच्छा ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स, वो डिपेंड रहे सोशल जो सेफ्टी नेट्स बने हैं और जो फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो परिवार जैसा एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है इन देयर नेटिव प्लेसेस में, तो वहाँ पर ज़्यादा उनका सिचुएशन अच्छा रहेगा, ये कहने का मतलब है। एंड दे शुड बी अलाउड, उन्हें अलाउड किया जाना चाहिए टू अवेल दीज, कि इन सब का वो फ़ायदा उठाए इन अ डिग्निफाइड एंड ह्यूमेन वे, एक अच्छे सम्मानित और एक इंसानी वाले तरीके से वो फ़ायदा उठाए। तो उसके लिए फिर उन्हें अपने गाँव जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उनका रोजी रोटी नहीं चल रहा है। तो उनके लिए बेटर ऑफ क्या रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स, जो भी सोशल सेफ्टी नेट्स है या जो फैमिलियल सपोर्ट स्ट्रक्चर, उनकी जो परिवार संबंधी जो स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। रीस्टार्टिंग वर्क अंडर द मनरेगा, अब मनरेगा जो एक स्कीम है उसके तहत अगर रीस्टार्टिंग द वर्क, काम को स्टार्ट करना, ये आपका आईएनजी से शुरू हुआ, इसे जिरंड कहते हैं। और जिरंड से जब कुछ शुरू होता है फ्रेज, वो भी नाउन का ही काम करता है, वो भी नाउन फ्रेज ही होता है। तो रीस्टार्टिंग द वर्क अंडर मनरेगा, इसके अंदर काम को रीस्टार्ट करना, दैट वेंट डॉर्मेंट, जो कि अब यह दैट ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये मनरेगा के बारे में कह रहा है कि दैट वेंट डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब निष्क्रिय, जो कि निष्क्रिय हो गया। ये गो से वेंट बना है, गो डॉर्मेंट मतलब निष्क्रिय होना, जैसे गो मैड पागल होना। तो उसी तरीके से वेंट डॉर्मेंट निष्क्रिय हो गया इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन के शुरू के पीरियड में ही बेकार हो गया। तो ये जो है हैज़ प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव, तो इसने इंसेंटिव यानी कि एक प्रोत्साहन, एक प्रलोभन प्रोवाइड किया है फॉर वर्कर्स टू लीव फॉर देयर नेटिव प्लेसेस, कि भाई वो अपने मतलब नेटिव प्लेसेस जा सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, रीस्टार्टिंग वर्क, काम को रीस्टार्ट करना अंडर द मनरेगा, इसके तहत क्या है, उसने प्रोवाइड किया इंसेंटिव कि इसकी वजह से वो अपने नेटिव प्लेस जा सकते हैं। देखिए, इट इज़ एविडेंट, ये बिल्कुल उचित है, एविडेंट मतलब जाहिर है, क्लियर है, दैट द ऑप्शन ऑफ कीपिंग वर्कर्स एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, क्या क्लियर है कि ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑफ कीपिंग वर्कर्स, वर्कर्स को रखना एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, उनके अपने अपने जगह पर, इज नो लॉन्गर वाइबल, तो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ उनको रखना इज नो लॉन्गर वाइबल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। एंड द सेंटर मस्ट वर्क एट वेज, और सेंटर को अवश्य ही काम करना चाहिए उन तरीकों पर, टू अलाउ फॉर देयर ट्रांसपोर्ट टू देयर नेटिव प्लेसेस, अलाउ फॉर का मतलब होता है विचार करना, ये फ्रेजल वर्ब है, कि विचार करें देयर ट्रांसपोर्ट टू देयर नेटिव प्लेसेस, कि उनके नेटिव प्लेसेस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट पर विचार करें। यहाँ जो है रिस्पेक्टिव प्लेस का मतलब है कि जहाँ जहाँ और है, इट इज़ एविडेंट, ए क्लियर है, दैट द ऑप्शन ऑफ कीपिंग वर्कर्स, वर्कर्स को रखने का जो ऑप्शन है एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, जहाँ जहाँ वो है वहाँ पर रखने का जो ऑप्शन है, इज़ नो लॉन्गर वाइबल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। सेंटर कुछ ऐसा करे, ऐसा विचार करे कि ट्रांसपोर्ट लाए और उनको नेटिव प्लेस भेज दे, जहाँ के वो रहने वाले वहाँ भेज दे। आगे देखें, कुछ खास सिखाने लायक नहीं गाइस, वरना मैं आपको सिखाता। आगे देखते हैं, क्या पता कुछ हो। देखिए, इंडिया अमॉन्ग अदर एशियन कंट्रीज सच एज इट्स नेबर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, अब इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया जो है अमॉन्ग अदर एशियन कंट्रीज का मतलब कि जितने भी एशियन कंट्रीज है, जैसे कि जो नेबर्स हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में, मलेशिया एंड अदर्स, हैज़ मैनेज टू, तो इंडिया जो है और बाकी जो है सब ने, हैज़ मैनेज टू अवॉइड द हाई फेटालिटीज़, इन्होंने कैसे भी हाई फेटालिटीज़ को मैनेज, मतलब कि उससे विजय पा ली, हाई फेटालिटीज़ नहीं हुई, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ज़्यादा मौतें नहीं हुई है, एंड इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, इन्फेक्शन रेट्स जो है, दैट हैव बीन सीन इन यूरोप, जिसको यूरोप में देखा गया है और नॉर्थ अफ्रीका में देखा गया, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका और अमेरिका, सॉरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मुकाबले ये जो इंडिया है और इनके जो कुछ और भी एशियन कंट्रीज है, ये ठीक रहे हैं, कुछ ऐसा कहने का मतलब। द लॉकडाउन हैज़ हेल्प्ड, लॉकडाउन ने मदद की है, बट इट हैज़ कम एट अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिकल लॉस, बट इट हैज़ कम, लॉकडाउन ने मदद की तो है बट ये कितने कॉस्ट पर हुआ है, ये इट हैज़ कम एट ह्यूज, बहुत बड़े मानवतावादी और जो इकोनॉमिक का जो कॉस्ट है, मतलब काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी है इंसानों को और इकोनॉमिक को। लॉकडाउन तो हो गया बट लॉकडाउन की वजह से कीमत काफ़ी चुकानी पड़ी, तो इस वजह से केसेज उतने नहीं हुए जितने कि नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप वगैरह में। ठीक है गाइज, मैनेज टू मैं आपको सिखा सकता हूँ बिगिनर्स को, चलिए सीखते हैं गाइज। देखिए गाइज, मैनेज टू ये आपको न्यूज़पेपर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये हम तभी लगाते हैं जब मान लीजिए ये आप हैं और आप किसी काम को कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और ये काम बहुत ही मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है, डिफ़िकल्ट है, और इसको कैसे भी करके आप सफल हो गए, मतलब आपने काम को डन कर लिया, आपने सक्सेस पा लिया। तो जैसे आप मैनेज टू बोल देंगे तो इससे दिख जाएगा कि जो सक्सेस है ना, ये आसानी से नहीं मिला है, किसी भी तरीके से सर्वाइव करते हुए इसने निकाल लिया उस चीज़ को। तो अगर मैं बोलूँ कि आई मैनेज टू क्रैक द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू को क्रैक तो कर लिया, सक्सेसफुल हो गया मैं, बट आई मैनेज टू का मतलब किसी भी तरीके से करके मैंने उसको निकाल लिया। शी मैनेज टू कन्विंस हिम, वो किसी भी तरीके से उसने उसको कन्विंस कर लिया, ये होता है मैनेज टू। उसके बाद इसमें एक नन ऑफ था, वो भी देख लीजिएगा, सिखाने में कुछ खास नहीं था, बट ढूंढा जाए तो छोटे छोटे आइटम तो थे ही, जैसे कि नन ऑफ करके था, नन ऑफ देम या कुछ ऐसा था। नन ऑफ क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ था एग्जाम्पल एक कि नन ऑफ देम वॉज ऑन द रोड। अब नन ऑफ का मतलब हमेशा ये होता है कि अगर बहुत सारे लोग हों, दो से तो ऊपर ही होने चाहिए, बहुत सारे लोग हों और इसमें से कोई भी कुछ ना करे, तब हम नन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम ग्रामर में ये है कि जब भी हम नन ऑफ लगाते हैं कि उनमें से कोई नहीं नाच रहा था, मुझे ऐसे बोलना है, तो मैंने बोला उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। अब दिमाग में आता है कि कोई नहीं नाच रहा था, नन ऑफ देम वॉज लगाए या नन ऑफ देम वर लगाए, नन ऑफ देम वर या वॉज। ग्रामर कहता है जी दोनों ही सही है, कोई भी लगा दो, इस पर विवाद चला हुआ है। तो कई लोग वॉज लगाएंगे, कई लोग, मतलब कई सिंगुलर को फॉलो करते, कई प्लूरल को फॉलो करते, अलग अलग जो ग्रामेरियन है उस हिसाब से। तो नन ऑफ देम वॉज डांसिंग, नाच रहा था। सही मायने में अगर ग्रामर पढ़ना है तो आप जो फॉरेनर्स हैं, जो राइटर्स हैं ना, जो विदेश के राइटर्स हैं, जो ग्रामेरियन हैं, उनको पढ़ा कीजिए। माना कि उनकी सारी किताब इंग्लिश में होती है, बट जिनकी भाषा है ना, जो वो लोग लिखते हैं ना, वो पढ़िए, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ के जो राइटर्स वो ख़राब है, मतलब उनको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा, मुझे लगता है कि ज़्यादा आपको फर्क पड़ेगा। एनीवेज, और तो नन ऑफ हो गया। अच्छा, इसी में मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि नन ऑफ देम है, अगर यहाँ सिर्फ दो लोग हो तो बताना मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं बोलूँ कि यार ये दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नीदर ऑफ, कभी आपने सुना हो, चूँकि बिगिनर से बता दूँ तो नीदर ऑफ देम कह सकते हैं, नीदर ऑफ देम, उसके बाद सिंगुलर ही आएगा हमेशा, नीदर ऑफ देम इज़ वर्किंग, उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे, यानी कि दोनों ही काम नहीं कर रहे। तो नन कभी दो के लिए नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके दो बच्चे हैं, आपको बोलना है यार दोनों ही नहीं पढ़ रहे, तो आप ये नहीं कह सकते कि नन ऑफ देम आर स्टडिंग, आपको दो है तो नीदर लगाना होगा। ओके, और आप ये भी नहीं कह सकते कि बोथ आर नॉट, बोथ हमेशा पॉजिटिव को दिखाता है, नीदर हमेशा नेगेटिव को दिखाता है। क्या छोटी छोटी बातें। चलिए आगे देखते हैं गाइस। देखिए, द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड अ लॉकडाउन अमिड एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ मोरल डायलेमा that can be resolved only through practical steps that compensate the poor and the workers in the unorganized sector and protect the old and the informed. Full stop. जो बिगनर्स हैं वो इतने बड़े सेंटेंस को देख के डरते हैं। देखिए कैसे हम इसको समझेंगे, देखिए कैसे। सबसे पहले तो आप देखिए इज आपका वर्ब है, तो वर्ब से पहले का जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। देखिए ये द से लेकर के एक क्राइसिस तक ये सब्जेक्ट ही तो है। कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कैसे है, द क्वेश्चन। सब्जेक्ट तो आपका छोटा ही था, क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन के लिए इज, ये सिंगुलर, इसको बड़ा कर दिया। कैसे, सवाल ऑफ वेदर, किस चीज़ का सवाल, ऑफ वेदर टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब तो बढ़ाना, वेदर लग गया कि ऐसा करे कि ना करे, तो वेदर टू एक्सटेंड और लॉकडाउन, एक्सटेंड को मतलब लॉकडाउन को एक्सटेंड करना अमिड एन इकोनॉमिक क्राइसिस, अमिड का मतलब इन द मिडिल ऑफ, ये जो इकोनॉमिक संकट है इसके बीच लॉकडाउन को बढ़ाना, ये जो सवाल है कि बढ़ाए कि ना बढ़ाए, इज़ अ मोरल, तो ये जो सवाल है एक मोरल डायलेमा है, एक नैतिक डायलेमा का मतलब क्या होता है कि असमंजस, ना इधर के ना उधर के, तो एक मोरल असमंजस है। दैट कैन बी, अभी दैट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सेंटेंस कैसे बड़े होते हैं, दैट किसको दिखा रहा है, इस डायलेमा को। दैट कैन बी रिजॉल्व्ड ओनली थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, रिजॉल्व का मतलब है कि इसका समाधान ढूंढा जा सकता है ओनली थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप, जो प्रैक्टिकल कदम के द्वारा ही हो सकता है। दैट कंपनसेट द पुअर, जो कंपनसेट करता है यानी कि हर्जाना देता है पुअर को एंड द वर्कर्स को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें। एंड प्रोटेक्ट द ओल्ड, और जो ओल्ड है, जो पुराने हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगा। इनफर्म, जो कमज़ोर है, उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो कुछ समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन का एक ही सल्यूशन है, क्या है वो सल्यूशन है आपका प्रैक्टिकल स्टेप्स, ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने हैं जो गरीबों को हर्जाना दे, वर्कर्स को हर्जाना दे और प्रोटेक्ट करे ओल्ड को, इनफॉर्म को। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र, फिर कॉमा है, द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ कोविड-19 केसेस, फिर कॉमा है। कॉमा पे जरा रुका कीजिएगा, इस क्या कहना चाह रहा है ये, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, बस। अब इस महाराष्ट्र को इतना बड़ा बना दिया है एक कॉमा लगा करके, तो कॉमा के बाद ये जो फ्रेज देख रहे हैं ना, इसे फ्रेज ही बोलेंगे, द से लेके यहाँ तक, इसको एपोजिशन कहते हैं। एपोजिशन का मतलब होता है ठीक इसके बगल में कोई ऐसा बैठे जो इसको थोड़ा सा डिफाइन करे, इसके बारे में कुछ कहे। तो महाराष्ट्र, कौन सा महाराष्ट्र, द स्टेट, एक राज्य, विद द हाईएस्ट इंसिडेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल के जो घटनाएं हैं ऑफ कोविड-19 केसेस के वो हुए हैं। तो बता दिया ना महाराष्ट्र के बारे में। फिर यहाँ पर लिखा है कि बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, फिर यहाँ पर है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, तो इसके अलावा कि जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स महाराष्ट्र में है, सबसे बड़े संख्या में वर्कर्स वहीं पर है। हैज़ अर्ज्ड, ये हैज़ किसके लिए आया है, महाराष्ट्र के लिए आया है, तो सब्जेक्ट रहा महाराष्ट्र, हैज़ रहा आपका मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, और अर्ज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन बिगिनर्स के टेंस से बहुत बड़ा टेंस है। बिगिनर्स ने पढ़ा होगा कि राम खाना खा चुका है, राम हैज़ ईटन फूड, ये भाई साहब ऐसे हैं। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र है, हैज़ अर्ज्ड द सेंटर, इसने सेंटर से एक रिक्वेस्ट की है, टू प्लान एंड रिज्यूम रेलवे सर्विसेज, कि कुछ प्लान करो और रिज्यूम करो। रिज्यूम का मतलब कि फिर पहले पुनः वाली स्थिति में ले आओ रेलवे की सर्विसेज को, फॉर द लेबरर्स, उन लेबरर्स के लिए जो मजदूर है उनके लिए। मजदूर को लेबरर कहते हैं, लेबर नहीं कहते, लेबर मतलब मजदूरी करना और लेबरर्स मतलब मजदूर, काफ़ी लोग गलत बोलते हैं। वंस द लॉकडाउन एंड्स ऑन May 3, की एक बार जब May 3 में लॉकडाउन खत्म हो जाए तो सेंटर से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया आप रेलवे के लिए प्लान बनाएं और रिज्यूम कर दें। आगे देखते हैं। इट इज़ ए रिक्वेस्ट, ये एक प्रार्थना है। द सेंटर मस्ट हीड, मस्ट हीड का मतलब है कि अवश्य ही ध्यान देना चाहिए, हीड मतलब ध्यान देना। इट इज़ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशन as had happened in mid-April। अब कह रहा है कि ये व्यर्थ है, क्या करना व्यर्थ है, फ्यूटाइल ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स, वर्कर्स को ब्लेम करना किसके लिए, फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशन। फ्लॉक मतलब होता है झुंड में इकट्ठा हो जाना, तो रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होने के लिए जो झुंड में इकट्ठा हुए थे, as had happened in mid-April, अप्रैल के बीच में जो हुआ था उसके लिए ब्लेम करना फ्यूटाइल है। स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो गियरिंग अप, अब कह रहे हैं कि ऐसे स्टेट जैसे कि सचेज मतलब जैसे कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो भी गियर अप हो रहे हैं, तैयार कर रहे हैं खुद को, टू फैसिलिटेट देयर रिटर्न, कि उन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके रिटर्न को सुगम बनाया जाए, अच्छा सरल बनाया जाए, आसान कर दिया जाए। फैसिलिटेट मतलब आसान करना। दीज स्टेप्स आर वेलकम, ये कदम बिल्कुल वेलकम है। अलाउइंग माइग्रेंट ट्रैवल इन अ सेफ वे, माइग्रेंट लोगों का जो ये ट्रैवल है यानी कि जो यात्रा है उसको सेफ वे में, सही तरीके से अलाउ करना, चाहे वो ट्रेन, हाँ बाई ट्रेन, दैट प्रोवाइड्स फॉर द नेसेसरी फिजिकल, प्रोवाइड्स फॉर मतलब व्यवस्था करना, जो कि व्यवस्था करे नेसेसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग का, इज द लीस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू, सबसे कम है जो गवर्नमेंट कर सकती है। इनकी देख रहे हैं यहाँ भी वही बात है, इज आपका वर्ब है और इज से पहले कितना बड़ा सब्जेक्ट हो गया, अलाउ से लेकर के और यहाँ तक। तो अलाउइंग माइग्रेंट ट्रैवल इन सेफ वे, माइग्रेंट के ट्रैवल को सेफ वे में अलाउ करना ट्रेन के द्वारा, दैट प्रोवाइड्स फॉर द नेसेसरी फिजिकल, जो कि प्रोवाइड भी करे, ऐसे व्यवस्था करो कि वो ये भी प्रोवाइड करे कि नेसेसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग भी हो। तो ये सबसे कम होगा जो गवर्नमेंट कर सकती है, यानी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, सबसे कम होगा। तो बस दोस्तों कुछ खास था नहीं इसमें अलग से पढ़ाने को, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। और आप टेलीग्राम चैनल पे जाए, इंग्लिश विद चंदन पर जाए और वहाँ से आप ये न्यूज़पेपर और वोकैब्स ले लीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।